नमस्कार साथियों, स्वागत है इस चैनल पर आप सभी का। हमारे साथी संजीव कुमार जी पूछ रहे हैं कि यदि रियर लोको डेड लोको है तो रियर लोको में ब्रेकिंग कैसे होगी यदि बीसी इक्विलाइजिंग पाइप नहीं है। तो इस वीडियो में बताऊंगा बीसी इक्विलाइजिंग पाइप नहीं होते तो कैसे ब्रेकिंग होती है। आइए सुनते हैं, देखते हैं। हमारे साथी मृत्युंजय कुमार जी पूछ रहे हैं कि डेड लोको के न्यूमेटिक सिस्टम बीपी पाइप के प्रेशर से कैसे काम करता है, सर्किट के साथ वीडियो बनाएं। तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में कि बीपी प्रेशर से जब एमआर चार्ज होता है डेड लोको में तो कैसे ब्रेक लगता है। और तो किसी उपकरण को काम करने की जरूरत नहीं है, खाली ब्रेक लगाने की जरूरत है। C2829 डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व ये कैसे काम करते हैं, MR4 कैसे चार्ज होता है, वो मैं सर्किट के साथ इनकी बात को रखते हुए बताने की कोशिश करता हूँ। आइए देखते हैं। नमस्कार, वाणी ऐसी बोलिए मन का पाखोय, और न को शीतल करे आप हु शीतल हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं SL डांगी, आप देख रहे हैं नॉलेज अप टू डेट और हंसते खेलते पाए ज्ञान। तो हमारे साथी संजीव कुमार जी पूछ रहे हैं कि डेड लोको में पीछे वाले लोको, जो डेड लोको, उसमें ब्रेक कैसे लगता है। तो साथियों, डेड लोको में आगे वाले लोको से जो ब्रेक लगता है वो A9 के द्वारा लगता है। जब MR और BC इक्विलाइजिंग पाइप नहीं लगे हों तो सिर्फ A9 के द्वारा ही ब्रेक लगेगा। अब वो कैसे लगेगा मैं चित्र से भी आपको बताऊंगा, और पहले ऐसे भी बता देता हूँ जो आपको जैसे समझ में आए वैसे समझ लीजिएगा। ये प्रश्न कई लोगों का है कि यार लगता कैसे है, क्योंकि बीपी पाइप अकेला जोड़ा हुआ है तो MR कैसे चार्ज हुआ, ब्रेक सिलेंडर के पैसे पैसे प्रेशर गया, वो सब बातें मैं आपको बताऊंगा। देखो, आगे वर्किंग लोको, पीछे डेड लोको है, बीपी पाइप हमने जोड़ दिया। अब बीपी पाइप जो है पीछे वाले लोको में, हम जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व पर बीपी पाइप का एक कनेक्शन होता है, ठीक है। तो उस डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व पे वो बीपी प्रेशर गया और उसी डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व से MR4 का पाइप कनेक्टेड होता है, तो वही बीपी प्रेशर MR4 पे भी जाएगा। और जब MR4 पे जाएगा तो MR4 को चार्ज कर देगा। अब डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व में बीपी प्रेशर 5 kg, उसका जो डीवी का कंट्रोल रिजर्वायर है वो भी 5 kg से चार्ज हो जाएगा। अभी चार्ज हो गया, MR4 भी चार्ज हो गया 5 kg से, हैं? वैसे तो MR कितना होता है, 8 से 9.5 kg होता है, लेकिन अभी जो चार्ज हुआ वो 5 kg से चार्ज हुआ। अब क्या होगा, आप आगे वाले वर्किंग लोगों से जब A9 से बीपी प्रेशर ड्रॉप करोगे तो पीछे वाले लोको में भी ड्रॉप होगा, बीपी पाइप लगा हुआ है, तो डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व अनबैलेंस होगा। अनबैलेंस होने से क्या होगा, जो MR4 में 5 kg का बीपी प्रेशर भरा हुआ उसका कनेक्शन उसके लोको के, डेड लोको के ब्रेक सिलेंडर से हो जाएगा वाया C2829, और C2829 पर भी MR4 का कनेक्शन मौजूद है, तो वहां भी 5 kg प्रेशर आएगा क्योंकि 5 kg से चार्ज हुआ है, ठीक है। तो वो 5 kg का प्रेशर लिमिटिंग वाल से होता हुआ आएगा, तो लिमिटिंग वाल से ऑपरेट हुआ C2829 पे भी MR4 का प्रेशर मौजूद है, तो उतनी मात्रा में MR4 का प्रेशर जाएगा 1.8 kg, और पीछे वाले लोको में A9 के द्वारा ब्रेक लगेगा। डुप्लेक्स चेक वाल से होता हो पूरी ब्रांच आ जाएगी, कहने का मतलब। तो इस प्रकार ब्रेक लगेगा, रिलीज करते समय जब बीपी प्रेशर वापस पूरा 5 kg बन जाएगा तो डीवी बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस हो जाएगा तो वहां से जो ऑपरेटिंग प्रेशर जा रहा है लिमिटिंग वाल से होते हुए, डबल चेक वाल से होते हुए, A29 को जिसने ऑपरेट किया वो वापस नॉर्मल हो जाएगा, और पीछे वाले लोको में जो ऑपरेटिंग प्रेशर यानी कि ब्रेक सिलेंडर प्रेशर गया वो पीछे वाले लोको के A29 से बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार ब्रेक लगेगा और ब्रेक रिलीज होगा। इसको मैं चित्र से भी बता देता हूँ आपको, उसके पहले बताना चाहता हूँ और भी वीडियो देखने के लिए आप चैनल पे जाके क्लिक करें, प्लेलिस्ट में जाए और अपने मन चाहे वीडियो देखें। अभी भी ऐसा हो रहा है कि लोगों को प्लेलिस्ट खोलना नहीं आ रहा है, कई लोगों को वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखना नहीं आ रहा है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोल के अवश्य देखा करो। कई लोग पूछे ईमेल आईडी कहाँ मिलेगा, मैं हर वीडियो में ईमेल आईडी डालता हूँ, उसके डिस्क्रिप्शन में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अब आप देखा करो। यानी कि वीडियो को देखना देखना सीखना भी एक कला है। वीडियो लोगों क्या होता है, वो सामने YouTube के आया वो देख लिया बस हो गया, नहीं, उस चैनल पे क्लिक करो क्या क्या वीडियो हैं और उसके डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है
वो भी देखना चाहिए अगर आपको नॉलेज बढ़ाना है तो। और ऑडियो सुनना है, रिवीजन करना है, प्रश्न उत्तर, तो फिर आप खबरी ऐप पे जाइए, और खबरी ऐप पे लिंक मैंने वो भी डिस्क्रिप्शन में डाला है, तो वहां से आप जाके खबरी ऐप पे ऑडियो भी सुन सकते हैं। इस तरह अपना नॉलेज बढ़ाते रहिए। मैं इसी प्रकार रोज एक वीडियो भेजता रहता हूँ, रोज शाम को 6 बजे, और हर संडे रात को 9 बजे मैं लाइव भी आता हूँ, आपसे बात करता हूँ। पूछनी है आपको कोई ऐसी बात जो आप यहाँ पे नहीं डाल सकते कमेंट में, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं अपने हिसाब से टाइम मिलेगा तब जवाब दूंगा। इस प्रकार आप भी दूसरों की भलाई करते रहिए, और परस्पर देवो भव, यानी कि एक दूसरे की सहायता करते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बात करते हैं कि जब दो लोको होते हैं तो डेड लोको में पीछे वाले लोको में कैसे ब्रेक लगता है जब MR और BC इक्विलाइजिंग पाइप नहीं होते हैं। तो हमारा साथी ने पूछा कि भाई पीछे फिर वो ब्रेक सिलेंडर में जाने के लिए प्रेशर कहाँ से आ जाता है। तो एक सिंपल डायग्राम बना के आपको समझा देता हूँ ताकि आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। जैसे हम देखते हैं BP चार्जिंग का सर्किट हमने पहले पढ़ा हुआ है, और ये जो है MR4 का प्रेशर इधर घुस रहा है, ये N9 है, ठीक है। MR4 का प्रेशर यहाँ घुस रहा है, यहाँ से जा रहा है सीधा, और यहाँ पे कट आउट कॉक लगा हुआ है। इधर ME2B वाले ME2B C2A31 A31, और यहाँ MR3 का फ्रॉम MR3, यहाँ बहुत सारा है सर्किट, ये बता सकता हूँ मैं पहले आपको, फ्रॉम MR3, ठीक है। और यहाँ पे BP चार्जिंग कॉक है, और इस प्रकार ये BP पाइप, और यहाँ पे एंगल कॉक रहता है लोको का, ठीक है, हॉर्स पाइप। ये एक सिंपल डायग्राम बना है, वैसे मैंने BP चार्जिंग सर्किट पहले बता दिया है, इसलिए मैं आज ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पीछे वाले डेड लोको में कैसे ब्रेक लगता है। अब ये BP पाइप से BP पाइप, यहाँ भी एंगल कॉक है, और ये आगे वाला लोको है, लीडिंग लोको, वर्किंग लोको जिसको बोलते हैं, और पीछे आगे डेड लोको है, ठीक है। तो अब डेड लोको में कैसे ब्रेक लगता है, ये BP पाइप है, BP पाइप, सिंपल डायग्राम से समझना आप लोग। तो हम देखते हैं कि BP कनेक्शन, एक BP पाइप डिस्ट्रीब्यूटर वाल को जुड़ा हुआ रहता है, ये DV है, ठीक है। और एक पाइप जो होता है DV का MR4 से जुड़ा रहता है, या MR बना देता हूँ मैं इस प्रकार, MR, ये MR है, MR4, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब ये आगे वाले लोको का, वर्किंग लोको का BP पाइप जुड़ा हुआ है रबर होस पाइप के बाद, एंगल कॉक खुले हुए हैं, तो ये BP पाइप जुड़ा हुआ DV से, तो DV में BP प्रेशर जाएगा, और वही BP प्रेशर 5 kg से MR4 भी चार्ज होगा, 5 kg से। वैसे तो MR में कितना रहता है, 8 से 9.5 kg प्रेशर रहता है, लेकिन इस कंडीशन में ये 5 kg से चार्ज होगा, क्योंकि MR इक्विलाइजिंग पाइप हमने नहीं जोड़ा है, सिर्फ BP पाइप जोड़ा है, ठीक है। अब क्या होता है कि DV का यहाँ पे एक कंट्रोल रिजर्वायर भी रहता है, CR बना देता हूँ, ये CR, ये रफ डायग्राम है, समझ लेना आप लोग। तो यहाँ भी BP 5 kg है, यहाँ पे 5 kg है, और यहाँ भी 5 kg है, ठीक है। MR4 का ये घुसता, फिर बाद में जब ब्रेक लगेगा तो घुसेगा कैसे बताता हूँ। अब क्या पीछे वाले लोको में जब हम BP प्रेशर A9 के द्वारा ड्रॉप करेंगे, A9 से आगे वाले लोको से BP प्रेशर ड्रॉप किया, तो यहाँ भी ड्रॉप हुआ, यहाँ भी ड्रॉप हुआ, पहले ये चार्ज हो चुका है, अब ड्रॉप हुआ, तो यहाँ भी 5 kg था, यहाँ भी 5 kg, यहाँ भी 5 kg, अब यहाँ ड्रॉप हुआ है, तो ये जो DV है अनबैलेंस हुआ, अनबैलेंस होते ही ये MR4 में जो 5 kg का प्रेशर था डेड लोको में, ये अंदर घुसने का रास्ता बनेगा, और ये जाएगा सीधा इधर, यहाँ पे 1.8 kg का फीडवाल लगा हुआ है, और ये जाएगा 2BC ब्रेक सिलेंडर में चला जाएगा, ठीक है। कैसे जाएगा, C2A29 वाल के द्वारा, यहाँ से 1.8 kg लिमिटिंग वाल से होता हुआ C2A29 को ऑपरेट करेगा, और C2A29 पे भी इसी MR4 का प्रेशर मौजूद है जो 5 kg का रहेगा डेड लोको में, वो जाके पीछे वाले लोको में ब्रेक लगाएगा। A9 से सिर्फ ध्यान रखना, इस कंडीशन में जब MR इक्विलाइजिंग पाइप BC इक्विलाइजिंग पाइप नहीं जुड़ा है, तब सिर्फ A9 से ही ब्रेक लगेगा, SA9 से डेड लोको में ब्रेक नहीं लगेगा। तो इस तरह से आपको मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा कि A9 से
डेड लोगों में कैसे ब्रेक लगता है। नहीं समझ में आया तो फिर कमेंट करके बतावें, तो फिर मैं और भी समझाने की कोशिश करूँगा। वैसे इस प्रकार समझाने से आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।